हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर हुमा, अ जनरल प्रैक्टिशनर एंड अ सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ फेशियल हेयर के बारे में। तो फेशियल हेयर मेल्स में तो काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है, बट फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज मैं बताऊंगी फेशियल हेयर किन कारणों की वजह से होते हैं, उसको आप सेफली सबसे प्रॉपर तरीका घर में निकालने का किस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए या बहुत ज़्यादा थिक हेयर है तो आपको क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले फेशियल हेयर्स जो है वो कहाँ पर आते हैं फीमेल्स को? अपर लिप, चिन और साइड लॉक्स में। किसी किसी को पूरे चेहरे पे होते हैं। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हेरिडिटी भी होता है। अगर आप फैमिली में आपके सबके बहुत थिक हेयर हैं बॉडी पे, तो शायद आपको भी वो थिक हेयर आएंगे। और तो एबनॉर्मल कंडीशंस है PCOD एंड कुशिंग सिंड्रोम। PCOD में हार्मोनल चेंजेस की वजह से फेशियल हेयर ज़्यादा आता है, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में। इसके लिए आपको मेल के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स चिन पे या यहाँ पर साइड लॉक्स पे या अपर लिप पे बहुत थिक हेयर आते हैं। नॉर्मल पतले बाल हर किसी को होते हैं, बहुत कम जिन होते हैं जिनको बिल्कुल बाल नहीं होते, नहीं तो हल्के हुए हर किसी में दिखते हैं। मगर जब हार्मोनल PCOD में प्रॉब्लम होने की वजह से एंड्रोजन और मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से आपको थिक हेयर आने लगते हैं, जो कि जिसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है और काफ़ी डार्क होता है। तो अब लोग उसको निकालने के लिए वैक्सिंग कराते हैं। अब वैक्सिंग मैं रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज बार बार आपकी त्वचा पे से वो वैक्स लगा के खींचने से आपकी स्किन ढीली हो सकती है। सेकेंडली, जब आप बार बार वैक्सिंग करते हैं तो आपकी पोर्स जो है वो ओपन रह जाते हैं। वो पोर्स में कभी भी डर्ट जम सकता है और कुछ भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आपने नोट किया होगा बहुत सारे जन को वैक्सिंग के बाद छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, ये छोटे छोटे अनइन्फेक्टेड पिंपल्स कोमेडोन्स हो जाते हैं। दैट इज़ वाई वैक्सिंग इज नॉट रिकमेंडेड। सेकेंड है थ्रेडिंग। काफ़ी सारे जन थ्रेडिंग भी करवाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि थ्रेडिंग से स्किन लूज नहीं होती, मगर अगेन थ्रेडिंग से आपकी स्किन खिंची जाती है। बहुत सारे जन को पिगमेंटेशन एंड मार्क्स आ जाते हैं, स्कार्स आ जाते हैं थ्रेड लगने की वजह से, और वापस थ्रेड जो है वो आपके रूट से बालों को निकालता है, तो आपके रूट्स जो है वो एम्प्टी हो जाते हैं, जहाँ पर डर्ट और बैक्टीरिया अपना घर बना के इन्फेक्शन फैला सकते हैं। सबसे सेफ तरीका है फेशियल हेयर निकालने का शेविंग। आप शेविंग करने के टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपको पहले अच्छा फेस धो के अपना फेस पूरी तरह से ड्राई कर लेना है। बाद में आपको शेविंग ब्लेड लेना है, जो आपके स्पेशली फेस को शेव करने के लिए बनाई गई है। आपको आपकी स्किन स्ट्रेच करके नीचे की तरफ शेव करना है। शेव करने के बाद आपको पूरे स्किन को अच्छे से धो के पानी से, ठंडे पानी से अच्छे से मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा देना है। अब ये आप महीने में 15 दिन में एक बार भी कर सकते हैं, महीने में एक बार भी कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं। बहुत सारे जनों का मानना है कि शेविंग की वजह से बाल थिक और ज़्यादा घने आते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी शेविंग की वजह से आपकी ग्रोथ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि फेस आपके स्किन कोई भी बालों का आकार होता है थिक से वो पतला होता जाता है। तो जब आप शेव करते हैं तो पतला कट जाता है और थिक आकार रह जाता है। तो जब वो बढ़ता है तो आपको ऐसा लगता है थिक बाल आ रहे हैं, मगर एक्चुअल में वो बाद में आगे ग्रो होके दोबारा से वैसे ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, ये बहुत फाइन हेयर है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप शेव कर सकते हैं। मगर अगर आपके बहुत ही ज़्यादा थिक हेयर है तो शेव करने के बाद भी आपको स्टबल जैसा दिखाई देता है, तो उन केसेस में आई विल रेकमेंड आपको लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जो कि परमानेंट हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट है। उससे भी, लेज़र ट्रीटमेंट से भी, यू विल नॉट गेट रिड ऑफ योर हेयर कम्प्लीटली, इट विल रिड्यूस योर हेयर। आपकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, आपके बाल फाइन हो जाएंगे। नाउ रिमेंबर, लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट इन लोगों पे बहुत अच्छा काम करता है जिन लोगों के बाल बहुत थिक और गहरे होते हैं, डार्क होते हैं। क्योंकि लेजर हेयर ट्रीटमेंट किस तरह से काम करता है, वो जहाँ से आपका बाल आ रहा है, रूट होता है, उसका बल्ब जहाँ से वो बाल उग रहा है उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो बाल उगना बंद हो जाता है वहां से, या तो बहुत फाइन बाल आने चालू हो जाते हैं। इसकी कुछ सेटिंग्स होती है, किसी की 6, किसी को 8, किसी को 12 भी लगती है, डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंस, आपकी हेयर
आपका कैसा, आपके बाल बहुत ज़्यादा गहरे हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा डार्क है, उस हिसाब से उसकी सिटिंग्स होती है और उसका रेपिटेशंस होते हैं। अब आप अगर लेज़र ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आप वैक्सिंग करके या थ्रेडिंग करके नहीं करा सकते, क्योंकि हेयर का बल जो हेयर का रूट है उसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर बाल नहीं होगा तो खाली जो रूट होती है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता लेज़र, उसके लिए बाल होना ज़रूरी है। अगर बाल अंदर रूट में है तो ही वो आपका बल्ब जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। इसलिए ज़्यादा करके लेज़र ट्रीटमेंट के लिए आपको शेविंग के दूसरे या तीसरे दिन बुलाया जाता है। अब लेज़र ट्रीटमेंट के बाद आपको स्किन मॉइस्चराइज करनी है एंड सनस्क्रीन लगा के रखना है। अगर आपके साथ 8-12 लेज़र ट्रीटमेंट के बाद, सिटिंग्स के बाद हेयर रिडक्शन हो जाता है और बहुत फाइन हेयर बचते हैं तो आप उसको शेव कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया और आपने उसके बाद शेविंग शुरू की तो आपका हेयर ग्रोथ वापस दोबारा ज़्यादा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इट इज़ अ मिथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। थर्ड, आपको PCOD कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपको कुशन सिंड्रोम है तो आपको उसका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है, या आपको कुछ और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हार्मोनल, जैसे कि क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम जो एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, तो उस चीज़ में आपको आपका पूरा हार्मोनल ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिस वजह से आपका हेयर रिडक्शन हो जाएगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो मैं पहले भूल गई थी वो है ओसीपिल्स, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, उस वजह से भी कई सारे जनों को फेशियल हेयर आ जाते हैं। तो अगर उस वजह से फेशियल हेयर आते हैं तो आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बंद करके कुछ और ऑप्शन अपनाना पड़ता है। आई होप मैंने आपके सारे क्वेरी सॉल्व किए हों, और अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।